शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। अर्चना जी, आप तो जानती हैं, बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है लोग जाने नहीं देना चाहते। आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है। बला की कमसिन मोहतरमा लग रही हैं आप। सच कहूं तो जवानी जो होती है सच में जानेमन होती है, और इसी टाइटल के ऊपर एक फिल्म आ रही है जवानी जानेमन, और आज उसकी स्टार कास्ट यहां पे आने वाली है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा वेरी हैंडसम वेरी स्टाइलिश इंडस्ट्री के रियल नवाब सुपरस्टार मिस्टर सैफ अली खान। क्या बोल रहे हैं? He is married, married. ए, लड़कियां किधर सैफू सैफू कर रही हैं सर? No, but listen, ये अर्चना जी यहाँ रोज होती हैं क्या? नहीं सर, वैसे तो शो हमारा आता है सैटरडे संडे। ओके सॉरी, पर ये मंडे टू फ्राइडे बैठी रहती हैं, चिपकी रहती हैं कुर्सी पे। सिद्धू जी अब नहीं रहे? नहीं रहे। I mean, सिद्धू जी अब सिद्धू जी हाँ इस शो में नहीं रहे। तो क्या कुछ मिस्टीरियसली गायब हो गया क्या? वो क्या हुआ, क्या क्या मिस्ट्री? अभी पता नहीं उन्होंने कैसे किया है गायब, ये तो यही बता सकते हैं। ये शो कितने साल से कर रहे हो आप? तो 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए मेरे। और कितना करोगे यार? सर शुक्र है काम धंधा चल रहा है। ये सबका फेवरेट शो है। लव यू सर, सबका फेवरेट शो है। थैंक यू। और सबसे लकी शो है। सब कहते हैं कि जो भी लोग फिल्म प्रमोट करने आते हैं उनकी पिक्चर चल जाती है। अरे सर ये सुपर है, ऊपर वाले का कर्म है। सर अभी मेरे दिमाग में एक बात आई, जैसे सभी आप आए तो सब लड़कियां सैफू सैफू बोल रही थी। करीना मैम क्या क्या की बुलाती हैं आपको? करीना यार उससे मुझे याद आया, बहुत बहुत कन्ग्रेच, आपकी एक बेटी हुई। थैंक यू। मैं नहीं कन्ग्रेचुलेट। थैंक यू। तुम शादी शुदा हो ना? शादी हुई तो वही सर। नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछली बार जब मेरी बीवी आई थी करीना, तुम काफी फैल गए थे। सर ऐसी बात नहीं है, आपकी नहीं किसी की बीवी आई मैं फैलता ही। शाबाश। अरे सैफ सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो ताना जी के लिए, क्या बात है। थैंक यू। और इतना पसंद किया है आपके किरदार को लोगों ने, मतलब कमाल करते हो सर, आप जो भी करते हो कमाल करते हो। पर सर आपको जब पता था कि ताना जी हिट होने वाली, तो आप हमारे शो पे क्यों नहीं आए? अच्छा मुझे पता था कि हिट होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता इतनी बड़ी हिट होने वाली है, वरना मैं जरूर आता। पर आज आज आप आ गए सर, मोस्ट वेलकम। मेरे को लगा था शायद मे बी यू आर स्केर्ड ऑफ माय इंग्लिश। ऑफ कोर्स लिटिल बिट आई एम। और आर यू स्केर्ड ऑफ अर्चना जी? आई डिड नो अर्चना, यू नो अर्चना जी मैंने अपनी पहली पिक्चर डेब्यू फिल्म की थी मेरे साथ। हां कौन सी? मेरे साथ मतलब ये भी थी। हां मैं। अच्छा कौन सी फिल्म है मैम? आशिक आवारा। आशिक आवारा 1993। ओले ओले ले, वो एक दूसरा था। ओले ओले ये दिल लगी थी। हां उमेश मेहरा की फिल्म। और आशिक आवारा के दौरान मेरी शादी हुई थी परबीत के साथ। That's right. और आशिक आवारा के सेट पर मैं 2 बजे पहुंची, 15 मिनट लेट। उसी दिन उमेश ने डिसाइड किया था कि जो भी आर्टिस्ट लेट आएगा, काफी लोग लेट आते थे, उनको मैं डांटूंगा। मैं हमेशा पंक्चुअल थी, उस दिन 15 मिनट लेट आई तो मेरे ऊपर बिल फाड़ दिया। और मैं ये बता भी नहीं सकती थी कि मैंने शादी की, बिकॉज हमने चुपचाप शादी की थी। सीक्रेट वेडिंग। सीक्रेट वेडिंग। दैट वाज फैशनेबल इन दोस डेज। या इट वाज अ नेसेसिटी दोस डेज। एक्चुअली सीक्रेट करनी पड़ी बिकॉज बहुत सारी लड़कियां इनके पीछे पड़ी हुई थी। उनको फिर बताया गया कि ये भी लड़की हैं। अच्छा अर्चना जी आपको पता है जब कोई किसी को बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना हो तो हमेशा हम ये बोलते हैं ना तेरे बड़े नवाबों वाले शौक है ना। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं नवाबों वाले शौक क्या होते हैं? पतंग उड़ाना ये कौन से शौक होते हैं सैफ सर? अभी मैं क्या बोलूं, पटौदी में जब हम छुट्टी में जाते हैं तो यू नो है कुछ 20-25 लोग जो काम करते हैं वहाँ हमारे लिए। अच्छा जी। तो जब वर्कआउट करते हैं तो एक आदमी हाथ उठाता है मेरा ऐसा, तो टांग उठाता है जब लेग्स करते हैं, तो ऐसा यू नो बड़ा कूल नवाब है यार, वाओ। सुपर। मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आजकल कोई नवाब नहीं है तो सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तो है सर बिल्कुल, और आपकी ये मेहनत है, आपका टैलेंट है कि आज आप हर दिल में बसते हैं। पर सर जैसे आम जनता के मन में तो सवाल रहते हैं ना कि सैफ जो है छोटे नवाब आपको कह के बुलाते हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने आम आदमी वाले जो काम है वो कभी किए हैं? तो कुछ सवाल है जनता के जिन्होंने मुझे लिख के भेजे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह गॉड, अभी वो पूछेंगे कुछ प्याज का दाम या कुछ? नहीं 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 नहीं। और फिर मुझे एक बार 0/10 मिलने वाला है मुझे। नहीं नहीं एक बार। हाँ एक्चुअली आपकी मेमोरी कितनी शार्प है सर, हमने पूछा था
देखो पांच साल पहले सैफ सर जब हमारे शो पे आए थे पहली बार, तो मैंने रियाज भी किया कि 130 प्याज के, करेक्ट? कपिल को खुद नहीं पता सही जवाब। 60 रुपए, 60 रुपए किलो, कम हो गए यार, ये गलत है। मैंने प्याज खाना वापस शुरू कर दिया। मूवी स्टार्स को कुछ ज्यादा ही मतलब चिपकाते हैं प्राइस आते हैं। तो सर ये सवाल है आपके फैंस के, वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी छोटे नवाब ऑटो रिक्शा में बैठे? हाँ बिल्कुल बैठे हैं। कब? बहुत बार। एक्चुअली मैं तैमूर को घुमाने ले गया था। अच्छा। एक साल हो गया होगा। कभी कभी मैं बांद्रा में रहता हूँ तो यहाँ से जाने में कम वक्त लगता है छोटी गाड़ी को, तो काफी बार बैठे हैं। वाओ। कौन सी बड़ी बात। एक बार पहने हुए कपड़े जी बिना धोए फिर से पहने कभी? कहते हैं कि जीन्स को धोना ही नहीं चाहिए। उनका तो जो कहते हैं आप मानते हैं। पर सर आपकी जैकेट बड़ी कमाल की, कहाँ से लिया आपने? थैंक यू, ये अर्जुन खन्ना डिजाइनर ने। अच्छा खुद की बनवाते हैं आप? हाँ। ये आपकी पैंट किसने फाड़ी? फैशन। कहते हैं कि नवाब लोग तो किसी की नौकरी करते नहीं जी। आपने कभी कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद कभी कोई जॉब की है? हाँ, जब मतलब मैंने स्कूल खत्म करके जब दिल्ली आया था हाँ जी, तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने थोड़ा काम किया था। एक्सपीरियंस के लिए किया होगा, पैसे की थोड़ी ना कमी थी? एक्चुअली मेरे पैसों की कमी थी या नहीं थी, मेरे फादर बोलते थे कि अच्छा तुम्हारे सारे दोस्तों का एवरेज पॉकेट मनी जो है तुम्हें उतना ही मिलेगा। अच्छा। तो हमेशा पैसों की कमी थी। तो हम और चाहते थे लेकिन मिलता नहीं था। ओके वेरी गुड। अच्छा कभी टूथपेस्ट नॉर्मली हो ही जाता है, है? कि टूथपेस्ट जो होता है हाँ, वो खत्म हो जाता है जी, तो हमें कोई देख भी नहीं रहा होता उस समय। हाँ। बाथरूम में खुद ही खड़े हैं। करेक्ट। तो उसको दबा दबा के ऐसे बिल्कुल, और उसको ऐसा उसका, और फिर जो वो लास्ट क्वेश्चन रहता है हाँ, वो पुड़ुक से जाके और फिर इसको फिर बेसिन से उसको ऐसे ही निकाल के। क्या ऑब्जर्वेशन है। लास्ट वाला जो रहता है ना वो क्रीम हाँ, वो फुटुक करके वो बेसिकली जो जिसमें रैप में होती ना वो थूकती है। या करेक्ट। ओहो यार हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने ऐसे काम किए होंगे। हर बार, बहुत बार। अच्छा पीठ पे खुजली हो कहीं जी, तो ऐसे दीवार से ऐसे से किया? हाँ किया है, बहुत बार किया है, ऑफ कोर्स किया है। सारे काम आपके हमारे वाले हैं? क्या जरूर किया। अच्छा कभी कभी होता है पेंट की जिप जो होती है ना वो ढीली हो जाती है, तो फिर मोमबत्ती लगा के उसको सही करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस इन्वेंशन? मोमबत्ती अंदर से नहीं सुना मैंने। किस किस ने किया है ये लाइफ में? लेकिन मैं एक पूछूं, अगर मोम हाँ, कपड़ों पे गिर जाए हाँ, तो उसे कैसे निकालते हैं? या मालूम है आपको? पाउडर कैसे निकालते हैं? आप उसको आपको डीप फ्रीज में डालना पड़ता है, फ्रिज में। अच्छा। फ्रिज में डाल के तो एकदम अकड़ जाती है, या उस पर कागज लगा के इस्त्री करना पड़ता है, फिर वो ऐसे स्टिकर की तरह निकल जाते हैं। देखो नवाबों वाले शौक देखा क्या बात है। जब जब आप अपने गांव जाते हैं पटौदी गांव जाते हैं जब, तो छत पे कभी मच्छरदानी लगा के सोए आप? हाँ मेरी दादी ऐसे बाहर सोती थी। अच्छा। और हमने भी बहुत बार बाहर सोए हैं ऐसे। हाँ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सुबह जल्दी जल्दी उठना हाँ, पड़ता है। The moment the sun rises. या सूरज आ जाता है, तो 6 बजे उठना पड़ता है, तो 6 बजे उठ के रूम में चले जाते हैं। करेक्ट। बड़ा फायदा है वैसे बाहर सोने का, सुबह सुबह आदमी फ्रेश एयर। अच्छा कभी बचपन में पापा की जेब से पैसे निकाले? जी हाँ, एक्चुअली मेरी माँ जो है उनको पूरा अंदाजा रहता है कि कितने पैसे कहाँ हैं, तो कभी कभी जब इमिजिएटली पकड़ा जाता था। अच्छा। जब मैंने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पिताजी थोड़े रईस थे उस टाइप के, तो बिस्तर के पास उनका एक नोटों का गड्डी रहता था। अच्छा। लंदन में तो कभी 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 पकड़ा नहीं गया, लेकिन वो पता था कि मम्मी से करूंगा तो इमिजिएटली पकड़ा जाऊंगा। सर कभी गिल्ली डंडा खेला है आपने? खेला है। पिट्ठू गिल्ली डंडा सब कुछ खेला है। वाह जी। मैं तो सुना था कि नवाब लोग ज्यादातर गोल्फ खेलते हैं। नहीं तो हम भी गांव में बड़े हुए हैं यार, वो तो साइकिल को वो पहिए के साथ डंडे के साथ वो भी खेला है। वो करना चाहेंगे आप? हां जरूर। अरे
हमने सोचा था एक्चुअली यार आपने हमारे मुंह की बात कह दी. इससे क्या हमारी टीआरपी बढ़ती है कि छोटे नवाब टायर चलाते पकड़ के. आइए सर, आइए इस एक ही तरफ से रेस लगाते हैं ना. अर्चना जी एक सेकंड, आप 1 2 3 स्टार्ट करेंगी. ओके 1 2 3 गो. क्या बात है सर, यू डिड इट लाइक अ प्रो. तो सर ये जो जनता के क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद. आइए पधारिए. तो सैफ सर से हमारी बातें होती रहेंगी. फिलहाल बुला लेते हैं फिल्म जवानी जाने मन में दूसरे अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबकी फेवरेट बहुत ही प्यारी वर्सेटाइल एक्ट्रेस तब्बू जी और साथ में फरीदा जलाल जी और उनके साथ आ रहे हैं मिस्टर चंकी पांडे और कुबरा सैफ और इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही अलाया फर्नीचर वाला. तब्बू जी यहाँ आइए ना आप. सॉरी इतनी दूर क्यों. आप वेट कर रही थी कि आप कब बुलाएंगे कि मेरे पास आके बैठ जाओ. मत बोल माइक माइक है. माइक लगा ले. माइक लगा हुआ है. तो ये क्यों पकड़ी हूँ मैं आपको देख के. देखो कुछ बस आप कॉमेडी कोई कर नहीं सकता. मैं समझ गई मुझे देखिए. आपका बहुत बहुत स्वागत है चंकी सर कुबरा फरीदा जी. नमस्कार अलाया बहुत बहुत वेलकम आपका तब्बू जी. थैंक यू. दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है. मैंने सुना है ऐसे बेस में बोलो ना तो लड़कियों को अच्छा लगता है. बकवास. मैं आपसे ऑलरेडी इम्प्रेस हूँ सर. अब मैंने मेरी शादी में तब्बू जी को फोन किया तो हंसी जा रही है तुम्हारी शादी हो रही है. मैं कहा मेरी नहीं हो सकती. बोलते नो. तो मैंने फिर बोला मैंने कहा हम तो गरीब आदमी है हमारी आपसे तो हो नहीं सकती. तो हम तो बस भाई क्या करें. तो बड़ी क्यूट लगती हैं आप. बड़ा हंसती है ना तो अच्छा लगता है. इसलिए आपके शो पे बार बार आती हूँ मैं. देखिए आते रहा करें आप. जरूरी थोड़ी ना फिल्म आए तभी आए. वैसे ही आप सच्ची नहीं ताकि मैं आ सकूं इसलिए मैं आजकल ज्यादा करने का. वेरी गुड वेरी गुड. हम आपके फैन हैं हमेशा देखना चाहते हैं. बाकी चंकी सर क्या किस्मत चल रही है आपकी. रियली दिन तो इनके चल रहे हैं. इतनी खूबसूरत हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं आप. ऊपर से तीसरी बार कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला. 6 महीने में 3 बार इस सीजन में. तो आपको पता है आपकी ये कामयाबी देखकर बैंक आपको बिना किसी गारंटी के लोन दे सकता है. कब. अरे आपको पता है बैंक वालों को अर्चना जी बोलते हैं कि चंकी मेरा दोस्त है आपके नाम पे लोन ले लेती हैं. नॉन रिटर्नेबल लोन. चंकी को वो चाहिए लोन नहीं चाहिए उसे खाली पैसा चाहिए. पर दे दो वापसी की बात मत करो. सर हम आपका ट्रेलर देखा बड़ा ही मजेदार फिल्म लग रही है जवानी जन्म. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू. अच्छा खूबसूरत लड़कियों को देख के जवानी तो समझ में आ रही. फिल्म में जाने मन कौन है फरीदा जी. Yes. फरीदा जी जाने मन है. फरीदा जी तो हैं सबकी जाने मन. जी जाने मन. एक्चुअली जवानी ही इनकी जाने मन है. इनकी जाने मन है तो ये क्योंकि जवानी को बहुत मतलब प्यार. इट्स ऑल अबाउट द जवानी बेसिकली. अरे चकी सर क्या आपका क्या किरदार है फिल्म में. मैं एक नाइट क्लब का मालिक हूँ. ओके. और सब लोग को फ्री में दारू पिलाता हूँ तो बहुत जल्दी कंगला भी हो जाता हूँ. Oh, कितना अच्छा लगेगा आपके सब दोस्तों को देख के कि आप सबको मुफ्त में दारू पिला रहे हैं. बिल्कुल उल्टा आपके करेक्टर के. ऐसा कब होगा चंक. सैफ सर को फिल्म में उनकी जो माँ है वो गलत समझ लेती है. कभी कभी ऐसा होता है अक्सर हम लोग किसी को गलत समझ लेते हैं कि जैसे तब्बू मैम आप इतनी प्यारी हैं किसी को भी देखती इतना प्यार से देखती हैं. कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को वैसे प्यार से देखा और वो पीछे पड़ गया हो आपके. वैसे फैन कभी हैं. फिर आप क्या बोलती हैं उनको जो ऐसे पीछे पड़ जाए कोई. उस हिसाब से हम तैयारी कर ले. अगला सवाल. ओके ये तो ये कोई सवाल नहीं था ऐसे मन में आया था. अच्छा अभी सैफ सर को फरीदा जी गलत समझ लेती हैं कि यार कहीं तुम गए तो नहीं. बहुत बार मैंने जैसे यही सवाल पूछा सर कभी कभी ऐसा होता है रियल लाइफ में आपने किसी को कोई बात बोली और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया. कभी ऐसा आपके साथ होता है. हालांकि आप इतने स्वीट हैं
बहुत बार हुआ ऐसा, ज्यादातर इंटरव्यूज में. अच्छा. अच्छा सैफ भाई पे ना बड़ी लड़कियों का क्रश है. अलाया आपकी ये पहली फिल्म है सैफ सर के साथ, और आपको ये सोच के ये नहीं लगा कि यार अरे सैफ पे इतनी लड़कियां मरती हैं और मेरी बारी आई तो मेरे पापा बना दिए, आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, मैं काफी फ्लैटर्ड थी. और हाँ एक्चुअली मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं. कह दो. कल हम प्रमोशंस कर रहे थे और बहुत सारे लोग सैफ सर को आके कह रहे थे ओ माय गॉड सैफ सर माय मदर इज सच अ बिग फैन ऑफ यू. और सैफ सर कह रहे थे कि मदर व्हाई इज एवरीवनस मदर अ फैन. और फिर वो कहे व्हाटएवर पेज द बिल्स. चार बार हुआ यार. या प्लीज बिफोर वी गो वी नीड वन पिक्चर फॉर माय मदर. Time marches on. But you're cutting across generations, na? I don't mind. Very happy. ये तो बहुत अच्छी बात है. Thank you. अरे कुबरा के साथ मैंने बहुत सारे लाइव शोज किए हैं जब मैं बहुत लाइव शोज करता था. Yeah, 8-10 साल पहले हमने बहुत लाइव शोज किए हैं. पर अच्छा तब मुझे पता नहीं था कि कुबरा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है. कुबरा सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक. थैंक यू सो मच. हमने इतने शोज किए कभी तुमने बताया नहीं तुम किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखती हो. आपने कभी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया कपिल? तो सिर्फ मेरे लिए रिजर्व्ड है. क्या ये गलत बात है? दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. तो मैं फिर पक्का समझू? ये फ्लर्टिंग ना कपिल की कैमरा के लिए रिजर्व्ड है. अच्छा लाइव शोज में नहीं खर्चा करती. हाँ. नहीं 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 पर मेरे को सीरियसली लेता कोई. किसी को अगर बोल भी दिया बहुत प्यारी लग रही. ये सो क्यूट. चल चल. क्यों आपकी शादी तो हो गई ना, मतलब आपकी वाइफ ने आपको सीरियसली लिया है ना किसी पॉइंट पे? तो किसी पॉइंट पे किसी मतलब अच्छा कुबरा लेकिन आपका तो सुना था आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं एक्टिंग में. कहीं पे आपने बोला है खुद ही कि मेरा तो इंटरेस्ट नहीं, मतलब मुझे पता नहीं था अगर मौका मिलेगा तो मैं कर भी लूंगी. इसीलिए तो जो मौका मिला मैंने किया. जैसे कि पहली फिल्म में तो मैंने मेड का रोल किया था ना, मुझे पता नहीं अगला मौका मिलेगा या नहीं. जो मौका मिला मैंने किया. सच. और फिर जो हाँ मतलब यार दैट्स अमेजिंग. वो हो या क्या बात है. लव यू ऑल. हे गाइस आई एम गोइंग द हीरो ऑफ द फिल्म. हाय हेलो. अर्चना जी कैसी है आप? बिल्कुल ठीक. किकू हाउ आर यू? आई एम गुड. यार कपूर शर्मा क्या कर रहे हो यार? पूरी कास्ट को बुलाया फिल्म की, मुझे नहीं बुलाया. एक तो पहले पेट साइड पर रख के बात करो मेरे साथ. आपको किस लिए बुलाएं हम? किस लिए बुलाएं? क्या होता है, मैं फिल्म में हूँ. किकू भी इस फिल्म में है और इस बार फिल्म में इंटरवल नहीं है. क्यों? इनका सीन इसलिए रखा गया अगर आपको कोई बाथरूम बाथरूम जाना हो तो इनके सीन में जा सकते हैं. कपू ट्रीट मी लाइक ए सेलिब्रिटी यार. बस देखो यू आर फैंटास्टिक इन द मूवी. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया. बहुत बहुत ही थैंक यू. लेकिन सर ये देखिए ना, ये कपूर शर्मा इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है मुझे, ये मैं खुद कर लेता हूं. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम कपूर शर्मा शो की जान. अच्छा यादव और बच्चा यादव का कैरेक्टर निभाने वाले, शो की टीआरपी को 4.1 तक पहुंचाने वाले कपिल शर्मा शो में कप्पू को पीछे छोड़ के खुद आगे निकल जाने वाले जानदार शानदार बेहतरीन कलाकार कीकु शारदा. थैंक यू. सैफ भाई सही से बताना, जितनी लाइनें इन्होंने यहाँ बोली है कितनी फिल्म में है इनकी? नहीं है. और दो लाइन जो बची थी तो वो सेंसर ने काट दी. क्यों? आपके साथ इनका सीन है तबू मैम? नहीं. आपके साथ है फरीदा जी? नहीं. आपके साथ? ना 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 ना. अभी मैं क्या पूछूं आपसे कि पहले कभी इंटरव्यू दी है या दी है तो वापस ली है? पूछो. अच्छा मैम चलिए, बहुत बहुत स्वागत है कीकू जी का. अरे सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिल्म में आपका रोल बड़ा है या आपके कच्चे का साइज? नहीं देखिए
देखो इसमें मैं जोक्स अपार्ट भी नहीं कहूंगा, मेरे को सच में क्यूरियोसिटी, कितने सेंटीमीटर का कच्छा पहनते हैं आप? There's a shot in the trailer, no, of that big underwear. नहीं नहीं कच्चे की बात मत कीजिए, मेरे रोल के बारे में पूछिए ना, मेरा रोल ऐसे पूछिए, रोल क्या है आपका पूछिए. तो फिल्म में कितने रोल खाए आपने, चिकन रोल, एग रोल टाइप? ऐसे नहीं, ऐसे सीरियसली पूछिए कि कीकू जी आप फिल्मों में कैसे आए, पूछिए पूछिए. मैं पूछना चाहता हूँ कि आप फिल्मों में आए क्यों? अच्छा खासा इधर काम चल रहा है ना, क्यों गए थे आप, किस समय गए आप? आपकी एक फिल्म आई थी ना फिरंगी नाम की. इस बात का मतलब क्या है यहाँ पे? नहीं आप मुझे तकलीफ देंगे तो थोड़ी तकलीफ तो मैं भी दूंगा ना. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आप सबके लिए जनता के कुछ सवाल हैं, ये आप अपने हाथ में रख सकते हैं. आपको खाली ऐसे खड़ा कर देना हाथ की यस या नो, जो भी आपने मैं पूछूंगा आपसे, ये आपके लिए है, ये आपके लिए, सब सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा. आपके पास भी रहेगा एक? हाँ जी मेरे पास भी रहेगा सर. ओके तो सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है, आप सब लोग फिल्म स्टार्स हैं, बीच रास्ते में कभी कभी जूता या चप्पल टूट गई हो और फिर आप ऐसे चलते चलते आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ा हो, या फिर ऐसे आदमी पैर दबा दबा के चलता ना कि चप्पल टूट गई हो, ऐसे कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल. आपकी भी हील टूटी थी? जी. तो भगवान ने तो आपको इन बिल्ड हील देके भेजा है, आप आप ना हील पहना करे, पता क्यों? क्यों? कभी हील टूट जाए और भगवान ना करे आप आपके नीचे आगे आदमी मर सकता है, कितनी ऊंचाई से गिरेगी. अलाया आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मेरे साथ तो कई बार हुआ है, होता ही रहता है एक्चुअली. अच्छा हाँ, तो चेक करो मेरा हील जो है. नहीं मेरा हील टूटता ही रहता है. तो हील पर हील वैसे क्यों पहनती लड़कियां? ऐसे लंबा दिखता है ना मुझे. पर मैं सोचता हूँ यार कितना मुश्किल होता है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, मतलब आप हील पहन के चलना, मतलब अभी मैं इमेजिन करूँ कि मैंने हील पहनी हुई है इतनी, चलिए तो हाँ. चला ही नहीं जाता. हेलो हाय, कोई पीछे बुला ले हाय. कुबरा आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मुझे याद नहीं है मगर टूटी जरूर है. 100% चंकी सर आपके साथ? मेरे साथ तो जब मैं रामायण में गया था. नहीं, तो आपने हील पहनी क्यों थी पहले तो ये बताओ आप. मैं जूतों की बात कर रहा हूँ, रामायण के लिए गया था लाल किला में. अच्छा. तो स्टेज पे गया राम जी के दर्शन करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजर ने बोला आप राम जी को मिलने जा रहे, जूते निकालने पड़ेंगे. अच्छा. मेरे जूते चोरी हो गए, मैं दिल्ली से बॉम्बे नंगे पैर आया. अरे नए खरीद लेता. अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मतलब क्योंकि फिल्म स्टार्स को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब है ना पब्लिकली आप कुछ चीजें नहीं कर सकते, जैसे उबासी आ रही हो यॉनिंग तो ऐसे आ कर रहे हो और आपको किसी ने देख लिया और आपने इम्प्रोवाइज किया होगे, ऐसे कभी हुआ? फिर ऐसे हुआ प्रीता जी कभी आपके साथ? नहीं हुआ. It's very normal and natural to yawn. हम नाटक क्यों करेंगे? मैं yawn करती हूँ. आदमी कभी-कभी करता है कि अरे यार. मैं ऐसी नाटक नहीं करती. लेकिन ये ना सिर्फ इंसान होता है जो उबासी आती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. आप कभी गौर से देखना साहब सर, जो डॉग्स होते हैं. Yeah. अगर आप आवाज करना कोई, अगर कुत्ता उबासी ले रहा है और कोई सडनली हरकत हो, वो कैसे रिएक्ट करते? आप मैं यौन करूंगा और आप ऐसे कोई आवाज करना, ठीक है? कुत्ते एकदम से करते हैं पता. अच्छा मैं एक दो चीजें और ऑब्जर्व की हैं कुत्तों की. आदमी लोग जब छींक मारते हैं ना, स्नीज करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. कितना टाइम लगता है फिर ये वो टिश्यू निकालेंगे जो भी. कुत्ते को आप देखना कभी छींक मारते हुए, वो जाते जाते करता पता नहीं चलता ऐसे भाग रहा है. अच्छा ऐसे मैसेजेस बड़े आते हैं कभी कभी कि ये जो आपको मैसेज आया बहुत लकी है, आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और आपको गुड न्यूज मिलेगी. आपको आते हैं लेकिन ऐसे रोज आते हैं? रोज आते हैं. हाँ हाँ. आपने कभी फॉरवर्ड करके ट्राई किया कि चेक करें? हैं? मैं उनको ही भेज देता हूँ वापस. गुड वन. स्टेप्स नहीं आते हैं मुझे. हाँ. अच्छा आप आगे फॉरवर्ड करते हैं? एक बार किया था. क्यों?
अच्छा शायद पिक्चर रिलीज हो रही होगी तब. नहीं नहीं कुछ तो होगा. नहीं, मैंने सोचा कि यार कुछ शायद अच्छा हो जाए, मैं करता हूँ आगे. तो सब दोस्त बोलने लगे तुम्हें क्या हो गया. मैंने एक मैं अपनी माँ को भेजा, उन्होंने बोला तुम्हें क्या हो गया. तो मैं उसके बाद नहीं किया. कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया और आपको बड़ा गुस्सा आया हो? आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हो? नहीं, इनफैक्ट तबू आपने अजय देवगन सर के साथ बड़ी फिल्में की हैं, वो बड़े प्रैंकस्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के. तो प्रैंक आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं किया? अरे मैं क्या है, मैं उनको बचपन से जानती हूँ ना, तो मेरे पे कोई प्रैंक करते नहीं. आई एम वेरी बोरिंग बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ देयर प्रैंक्स एंड आई नो मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं दे सकती मैं एंड ऑल दैट यू नो. सो मेरे पे कभी कुछ ट्राई नहीं किया. आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं हुआ सर? नहीं अला आपके साथ? मैं आई एम श्योर हुआ होगा. आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल. लोग मुझे डराते बहुत है. क्यों? मैं इजीली डर जाती हूँ. लो आपने तो वेपन दे दिया अब इसको. नहीं नहीं कोई वेपन वेपन वाली बात नहीं, पर किस चीज से डर लगता है आपको? हर चीज से. मोहब्बत से? जी नहीं, मोहब्बत से डर नहीं लगता है मुझे. फ्रीदा जी मैं सिर थप्पड़ से लगता है. मतलब ऐसी बातें भी नहीं कर सकता फ्रीदा जी इंसान. कर लो बेटा कर लो कर लो. अच्छा अजय के साथ काफी प्रैंक्स खेले हैं हमने. आपने किए अजय सर के साथ? अच्छा he deserves it. अक्षय कुमार ने मेरे साथ हाउसफुल 1 में किया था. क्या? इटली में एक रेस्टोरेंट में लेके गया, सबको बोल दिया यूनिट में अक्षय कुमार सबको ट्रीट कर रहा है. तो सब लोग गए उधर, वाइन पी दबा के, खाना खाया दबा के सबने. और फिर मैं चला गया बाथरूम बिकॉज बिल आने वाला था. अच्छा नहीं लगता है ना, मैं सीनियर हूँ तो मैं बाथरूम चला गया. ये कमीने लोग मुझे बाथरूम में छोड़ के वैन पकड़ के चले गए. तो मैं बाथरूम से निकला, अक्षय ने बिल पे कर दिया होगा. मैनेजर आया होटल का ढूंढते हुए, यार वो तेरे साथ वो गैंग था उस, तो उसने मुझे पकड़ा. फिर मुझे सीधा किचन में लेके गए वो सब बर्तन मांजने के लिए ये सब. फिर साजिद खान साजिद नडियाडवाला ने गाड़ी को यू टर्न करके आके मुझे बचाया. पर आप पैसे दे के बात खत्म कर देते. थी नहीं पैसे. आपको सबसे वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे कल रात को एक वियर्ड सपना आया. क्या? हमारे कुछ दोस्त हैं, तो एक थोड़ी हमारे उम्र से थोड़ी बड़ी हैं, 60 साल की हैं. अच्छा. मुझे सपना आया कि एक मगरमच्छ था और उन्हें खा गया उसे. कल रात. मेरे को कई बार आते हैं एक्चुअली. अभी पिछले दिनों एक सपना आया कि हम लोग सिलेंडर लेने गए हैं और हम पे बस्ती वालों ने गोलियां चला दी. पता नहीं क्यों हुआ और मैं सपने में रो रहा हूँ. मैं कहा माफ कर दे, हमने क्या बोला तेरे को. वो फट भी सकता है सिलेंडर. हाँ, एक बार हमेशा गैस की बात करता रहता है ना हमेशा, इसीलिए उसका ऐसे सपने आए. मेरे साथ एक सपना हुआ था जहाँ पे मैं ऑटो ड्राइवर्स कह रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊंगा या कुछ कहीं पे. तो मैंने कहा आप उतरो मैं खुद चली जाऊंगी. तो ऑटो में मैं बैठी, मगर जैसे जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे ऐसे वो ऑटो का एक एक पुर्जा गिरता. अगर आप पॉटी देखते हो ना, बोलते आपको बहुत पैसा आने वाला है. नहीं रियली रियली. और अगर सपने में आपको पॉटी का स्मेल आए तो आपकी लॉटरी लगने वाली है. लॉटरी नहीं, उठ के चेक करना चाहिए अपनी ना निकली हो कहीं. तब जी आपको वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे बहुत वियर्ड आते हैं. एक तो मुझे शूटिंग पे मैं लेट हो रही हूँ ऐसा सपने से हमेशा मैं उठती हूँ. अच्छा. हाँ, फिर मुझे एयरक्राफ्ट के ऑलवेज सपने आते हैं कि मैं प्लेन में बैठी हूँ, मैं अकेली हूँ एंड ऑलवेज द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इनसाइड द सिटी ऑन इट्स व्हील्स. अकेले प्लेन से मुझे एक रियल लाइफ इंसिडेंट याद आया, मैं बता दूँ क्या? हाँ, प्लीज सर. हम लोग कॉकटेल की शूटिंग कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका में. तो मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और मैं ही था अकेला. तो कोई नहीं था एयरपोर्ट में और एक एक एयर होस्टेस थी. वो बोली मुझे कि यू कैन गो, यू आर दी ओनली वन. आई सेड नो वेट. सो आई सेड आई एम दी ओनली वन. ऐसे तो पहले हुआ नहीं. सो आई केम इन, आई वाज वॉकिंग ऑन द टारमैक. तो मैं प्लेन के सामने रुक गया और एयर होस्टेस वो खड़ी थी दरवाजे के सामने. तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैं फ़ोटो खींच रहा था प्लेन का कि आई एम, पहली बार हुआ ऐसे यार. और जब मैं चढ़ा सीढ़ी पे और अंदर आया तो पूरा प्लेन भरा हुआ है और सब मुझे देख रहे हैं ऐसे. और वो बोल, उसका मतलब था कि यू आर दी ओनली वन लेफ्ट. आई सो इट्स नॉट अ जोक.
अलाया आपको क्या बीएड सपना आया? एक्चुअली जब जवानी जानेमन का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैंने उसे बहुत बार देखा, तो मेरे सपने में मैं अपने असली पापा को कह रही थी देयर इज अ 33.333% चांस कि आप मेरे पापा हो. नो आई स्वेयर अच्छी बात है, आप अपने काम में इतना मगन है, होना चाहिए. प्रीता जी आपको कभी कोई बीएड सपना नहीं आया? हां आता है, किसी से नहीं आता, मुझे भी आया था. आई एम पेट्रिफाइड विद वाटर. स्विमिंग कभी नहीं की क्योंकि बहुत डरती थी समुंदर से, पानी से. तो वो ख्वाब मुझे बार बार आता था कि आई एम इन द मिडल ऑफ द सी, आई एम ड्राउनिंग एंड एट अ पॉइंट आई जस्ट स्टैंड अप एंड द वाटर इज बिलो एंड देन आई एम ओके. पानी नीचे है और मैं खड़ी हूँ उसके ऊपर, वो फीलिंग अच्छी आती थी. अच्छा अभी तो हम बात करके हंस रहे हैं लेकिन जब ऐसे डरावने सब जान निकल जाती है पता. हाँ बिल्कुल. सो इसी के साथ ही जनता के सवाल खत्म हुए, धन्यवाद. जोरदार ताली हो जाए. हाँ भाई, हाउ आर यू सपना? माय गॉड. सलाम नमस्ते. वालेकुम सलाम नमस्ते. हाय क्यूटी पाई, हाउ आर यू? हाय मैम. Hi. Hello. Hi. 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 You're very nice, huh? Sapna. 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 Hi, ma'am. Oh, thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Love you. Thank you. Hi. Hi. कैसे नवाब साहब? आपके लिए मैं खास बना के लाई है. ओए शाबाश, ये क्या है? ये हीरा आलू. हीरा आलू? जीरा आलू होते, हीरा आलू क्या? नवाब लोग जीरा आलू नहीं, हीरा आलू ही खाते. हाँ सच्ची में, इनके घर पे मुर्गा है ना, सुबह बांग नहीं देता, वो भी शहनाई बजाते. सच्ची में. और जिस दिन उसने ज्यादा शहनाई बजा ली उस दिन क्या होता है? मुगलई चिकन. और हाय कैसे? मेरे को आपसे सवाल पूछने का था सर. प्लीज. यू सो हैंडसम, वेरी नाइस. यस. तो जब आप जिम में जाते हैं जी, तो उधर आप डोले छोले बनाते कि उधर भी ओले ओले बनाते? अच्छा आपको बताऊं, आपको जब देखती है ना मैं, तो मेरे दिल से एक ही शब्द निकलता है. क्या? वाओ. सपना करने क्या है इधर? मेरे को तैमूर की नैनी का जॉब मिलेगा क्या? नहीं सच्ची में, आपका नैनी रखेला आपने? एक है. लेकिन कोई बात नहीं, नैनी तो सिर्फ तैमूर का ख्याल रखती है ना, मैं उनके पापा का भी ख्याल रखने को. नहीं तो अगर आपको मेरे को जॉब पे नहीं रखने का ही चलेगा, आप ना मेरा हाथ किसी नवाब के हाथ में दे दो प्लीज. और तेरे बॉयफ्रेंड का क्या होगा मुकेश का? अरे जब किसी को नवाब मिल रहा है उसको मुकेश जैसे कबाब की क्या जरूरत है तेरी. हाय तब्बू जी, कैसे? आपका भी वेरी नाइस. ये आप क्या काम करते, क्या एक्ट्रेस है? तब्बू जी के लिए जोरदार ताली हो जाए. मैं आपका सब काम देखे लिए, सब देखी मैं आपका, सब फिल्म देखे लिए. और मैं इतनी बड़ी फैन है आपकी, मैं ऐसा मतलब आज पब्लिक के सामने बोलती है, रात बेरात किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको फोन करेगी, फोन उठा लेना मेरे प्लीज मेरे को. अच्छा आप मेरे को amazing. Why are you crying? Hi, how are you? He's very senior actor, ना बचपन से मैं देख रही है. हाँ सच्ची में, जब इनकी आंखें आई थी ना तब मेरे दांत आए थे. अच्छा आपका वो गाना आया था ना तब्बू जी, वो राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई. क्या बात हो गई बताइए ना. अभी तक मेरी लाइफ में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई. नहीं मतलब ऐसी ऐसी बातें तो बताओ, मैं मिट्टी लेकर आई, हम बात पे मिट्टी डाल देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. मिट्टी पड़ी हुई है? हाँ पड़ी हुई है बहुत सालों. कोई बात नहीं, मिट्टी पे अर्चना जी पानी डाल देगी और वो कीचड़ हो जाएगा, फिर कोई आदमी चल कर आएगा वो फिसलेगा, ये भाग के उसकी कुर्सी पे बैठ जाएगा. ऐसे चल रहा है, सब ऐसे चल रहा है. फिर आपका वो गाना है तो रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ये गाना सुन के कितने अंग्रेज लोग रुक गए मालूम है इधर इंडिया में. अच्छा? वो भी इधर ही रहता है, नील नितिन मुकेश. फरीदा जी कैसे आप? वेरी नाइस. अच्छी हूँ.
आप मदर्स डे पे बहुत बिजी रहते रहेंगे ना? क्यों? इतनी मम्मी का रोल किया फिल्मों में. जैकी श्रॉफ जी है ना, वो सबको बोलते बिडू मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू. ये उनको बोलती है मेरा बच्चा है तू. कैसी बातें करती है, पता कितनी सीनियर एक्ट्रेस है वो फरीदा जी. सीनियर तो ऐसे बोल रहा है जैसे एक हंगल को उन्होंने गोद में खिला ले. इतनी भी सीनियर नहीं है. हाय. हाय. हाउ आर यू? वेरी गुड. आपको पता फिल्म इंडस्ट्री में दो ही चीजें चल रही है. क्या? टीवी पे नागिन और डिजिटल में कोबरा. कुबरा. कुबरा नाम है उनका. कुबरा. हाँ. हाय कुबरा. हाय, कैसी हो सपना? सेट कैसे है? अरे कुबरा सेट कैसी है? सॉरी सॉरी. हाँ मस्त है एकदम. हाय. हाय. वेरी नाइस यू. वेरी गुड. हाँ क्यूटी पे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. इनके लिए जोरदार ताली. वेरी नाइस यू. आई लाइक. आपको मालूम है मैं नाला सुपारे से अभी मीरा रोड में शिफ्ट हो रही है, तो मेरे को डाइनिंग टेबल फर्नीचर की जरूरत है. अच्छा मतलब वो फर्नीचर वाला है उनका सरनेम, तो इसलिए मांग रही थी. पागल है क्या? मैं तेरी बहन हूँ, मेरा कोई वट है? ये सब चीजें मेरे पास रे. तो मेरे को एक फ्लैट दिला दो ना. खैर एनीवे सेफ सर, आप ब्यूटी पार्लर हियर. यस. यू कम फर्स्ट टाइम? नो मैम, आए पहले. मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है. बताओ ना प्लीज. तो आपके लिए ओले ओले मसाज है. ओले ओले मसाज क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को तेल लगाती है हमें और मसाज चालू करती है. वो बोलता है मजा नहीं आया, थोड़ा और तेल डालो. तो मैं और तेल डालती हूँ, फिर मसाज करती है उसको. वो बोलता है मजा नहीं आया, और तेल डालो. तो मेरे को गुस्सा आता है, तो मैं तेल का डब्बा उठाती, मैं बोलती हूँ और ले और ले और ले और ले, ऐसा करती. कच्चे धागे, कच्चे धागे. कच्चे धागे. मैम ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया, लास्ट टाइम आई थी ना, तो हमारे पास कच्चे धागे मसाज. कच्चे धागे में क्या होता है? इसमें इसमें क्या रहता है सर, कच्चे से जो धागे निकल रहे रहते हैं. हाँ नहीं मैम, सॉरी सॉरी, नहीं बोलेगी मैं. आपकी एक पिक्चर रहती माचिस मसाज. माचिस फिल्म थी, उसका मसाज है हमारे पास. मैं अपने बात करेगी ना, फिल्म का क्यों बात करेगी. तो इसमें क्या होता है माचिस? इसमें क्या रहते हैं, मैं पार्लर बंद करती है, ओह गॉड, तो मेरी माँ आ जाती है. माँ बोलती है मेरा मसाज करो. बहुत मारूंगी सपना, चुप कर. नहीं नहीं माँ को अब ना कौन बोलेगा मैम, अब तेल हमारे पास खत्म हो गया है. हम क्या करते हैं, माँ को चीज लगाते हैं. माचिस मसाज. तो माँ माँ बोलती है तो बहुत बदबू आ रही है, तो मैं बोलती हूँ माचिस ही ऐसी है, माचिस मसाज ऐसे रहता है. और फिर हमारे पास एक मसाज है चिंग्स देसी चाइनीज मसाज. इसमें हम कस्टमर को सर तेल की जगह हम लोग चिंग्स का देसी शेजवान चटनी लगाती है. एंड वो चखता है, उसको अच्छा लगता है, और फिर वो रॉकेट की तरह उड़ जाता है. मसाज कहाँ हुई? ये मसाज नहीं, स्पॉन्सर है हमारा, इसलिए बोलना पड़ता है. वेरी गुड सर. मैं चलती है सर, मेरे को जाने का. बहुत फिल्म इंडस्ट्री वाले आते हैं ना इधर. अनुराग वो डायरेक्टर है ना, वो पिछली बार आए थे तो अपना कश्यप छोड़ गए थे. तो मेरे को उनको देने का है. ओह सर, आपके साथ कोई बॉडीगार्ड रहता है? नहीं शायद रखा करो. क्योंकि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपको किडनैप करने की. गॉड, मैं बताता हूँ. देखिए जरा वीडियो में देखिए. अच्छा परी, आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले, किसको उठाएंगी आप? बहुत मार पड़ने वाली है. मैं अगर सच में ऐसे किसी को, अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े, तो मैं सैफ अली खान को करता. देखो ऊपर वाले, सैफ अली खान क्या आपके साथ सांठगांठ करके आए हैं? ऑलरेडी करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है. ऊपर वाले मुझे उठा ले, मुझे उठा ले. नहीं नहीं देखो सब कुछ सेफ है. मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्होंने भी ओके बोल दिया है. ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले, बस ये दूर से प्यार है बस. हमसे दूर वाला ही कर लो.
ये क्या है यार? Just for camera. ये तो मतलब मैं जा रही हूँ अभी. This is just for camera. पकड़े गए आप. She's like my. पकड़े गए आप. उससे पहले काटना था. I don't know. She's like my cousin girlfriend. Oh, cousin girlfriend's a fab. Great. आपको तो बड़ी सारी हीरोइन बोलती हैं हम किडनैप करना जाती हैं आपको मैं कुछ हीरोइन्स की फोटो दिखाता हूँ okay. आप बताना आपको कौन सी सुंदर लगती है आप किसे किडनैप करना चाहेंगे फोटोग्राफ्स दिखाइए ऑल ब्यूटीफुल किडनैप देम ऑल पहले देख लो आप एक बार हो सकता है मूड बदल जाए रितेश ओ माय डार्लिंग रितेश देशमुख यस पर क्या फिगर लग रहा है रितेश का ना नेक्स्ट अजय देवगन अजय बी अ बैड लुकिंग गर्ल यार नेवर नेवर नो किडनैप कर प्लीज नो किडनैप नो ये तो किडनैप करेगा अजय इज सेफ हां या या ओ सलमान सलमान ओ सलमान नो ये कौन सी फिल्म में था वाह किसकी हिम्मत होगी इन्हें किडनैप करने की और भी हमारे सब बहुत ब्यूटीफुल हीरोज हैं माय गॉड वेयर इज दैट योर बॉडीज है संजू संजू संजय संजू संजू नीड सपनास ब्यूटी पार्लर आईब्रोज यस और आई एम आईब्रो आमिर इज दैट आमिर इज इट ममता कुलकर्णी आई कांट अरे ममता लग रहा है इसमें इट लुक्स लाइक ममता फ्रॉम आशिका वारा नेक्स्ट स्माइल Oh, oh, I want that. So sexy. Who is that? चंकी सर आपके लिए भी हमारे पास एक वीडियो है दिखाइए प्लीज मेरा वीडियो अरे यार ये क्या हो रहा है So cute you are looking. I'm looking man. चंकी सर की नन्या आपके पापा सेलिब्रिटी हैं आप भी स्टार बन गई हैं हाँ। जो स्टार लोग बन जाते हैं तो अपनी स्किन के लिए महंगे महंगे हाँ। ब्रांड्स प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ये हल्दी है आप हल्दी का ऑप्शन लगा रही हैं हाँ। तो आपको हल्दी जेन्युइनली पसंद है कि हाँ। पापा पे गई हैं आप कंजूस कंजूस पापा ने ये सिखाया है मुझे हल्दी का पैसे बचाओ पैसे बचाने का बचाओ हल्दी डालो जरूरत ही नहीं है वैसे कितना प्यारा चेहरा है सब ठीक है ये हल्दी की वजह से यू कीप क्वाइट इसको मैंने नन्ना पांडे से अनन्या पांडे बनाया ऐसे बोल रही मेरे बारे में निकाल दूंगा इसको मेरी जायदाद से तब वो आपका एक डायलॉग है आई हेट फोन कॉल्स किस तरीके की फोन कॉल्स आपको पसंद नहीं है किसी तरीके की फोन कॉल्स मुझे या शी डोंट लाइक मतलब फोन आई ना टेक्स्टिंग Sometime, but communication is only not happening. Yeah, sorry. Phone पे बात करना चाहिए. Only when I want to talk, I will call. That's what my father ने ऐसा बोला था एक बार जब ये mobile phone नए आए थे तो किसी ने बोला उनको कि आप तो out of reach हैं. वो कहा नहीं ये तो मेरे लिए है मुझे phone करने के लिए. Not that you can call me anytime. अच्छा. मेरा भी यही argument है. Phone मैंने अपने लिए लिया है कि तुमको easy करने के लिए लिया है. नहीं ये बात ना बड़ी देर बाद समझ आई मेरे भी. अच्छा हमारे जितने यहाँ दर्शक बैठे हैं मैं आप सबकी भी राय लेना चाहता हूँ कौन कौन सी फोन कॉल्स हैं जिनसे आपको नफरत की आ रही है क्यों आ गए जी भाई साहब हेलो कपिल माय नेम इज संजीव मल्होत्रा जयपुर से आया हूँ मैं वेलकम मल्होत्रा साहब मैं बैंकर हूँ मैं मुझे ना रात को ना लेट आवर्स के अंदर काफी कॉल्स आती है और अभी पिछले दिनों काफी लेडीज की कॉल आ रही थी मेरे पास लेडीज की तो मैं बहुत परेशान हो रहा था काफी 7-8 दिन से रेगुलरली मैं देख रहा था कि मेरे पास एक लेडी कॉल कर रही थी एक और मैं उठाता था शुरू में तो मैंने थोड़ी बात की अच्छा क्योंकि लैंडलाइन पे कॉल आ रहा था तो मैं देख भी नहीं पा रहा था कि किसकी कॉल आ रही है किसकी नहीं आ रही है तो फिर मतलब लेडी की कॉल आती तो आप इरिटेट हो गए इरिटेट क्या करूं इरिटेट होना पड़ेगा क्योंकि बेडरूम में मेरा लैंडलाइन लगा हुआ है और मेरी वाइफ मेरे साथ सो रही होती है तो प्रॉब्लम ये है कि वाइफ के सामने आया इसलिए इरिटेट हो गए आप इसीलिए इरिटेट हो रहे थे हां वरना तो आप बैंकर हैं आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है तो क्या बोलती थी आपको फोन करके पहले तो मेरे से पूछती थी आपका नाम बताइए आपका और अदरवाइज और भी कुछ डिटेल्स जानना चाह रही थी जब मैं पूछता था तो अपने बारे में बताती नहीं थी तो इंटरेस्टेड तो आप भी तो है ना फिर नहीं तो आदमी ये बोल ही देता कि फोन रखिए जी मेरे को है ना रॉन्ग नंबर है मल्होत्रा साहब हाँ जी हाँ जी आपकी वाइफ आई है साथ में वाइफ के साथ ही बैठी बैठी है आप शुक्रिया मिसेस मल्होत्रा नमस्कार मैम आपने कभी इनको नहीं फोन दिया फिर इनको इनसे बात करवा दो ना मौका ही नहीं लगता सर इतनी देर तो मैं जैसे ही उसको उठाता हूँ कॉल को
तो कॉल से थोड़ी बात हुई, सेकंड डे थर्ड डे तो उठाना ही बंद करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि ये कॉल आती एकदम से, करती थी किसका कॉल है बताइए मुझे। मैम एक बार चेक कर लेना, हो सकता है इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया उनको। हाँ मल्होत्रा साहब, कोई पता नहीं आजकल मिलावट बड़ी हो रही चीज़ों में भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा साहब, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो सर, मैं पुणे से आयु, मेरा नाम आदित्य गांधी है। जी सर, मुझे मतलब बहुत लोगों को जो फोन से प्रॉब्लम होते हैं सर, उस फोन से मुझे अच्छा लगता है सर। जैसे कि मसाज और स्पा का फोन आता है सर कभी कभी मुझे, तो सर मुझे उसे फोन से अच्छा बहुत मजा आता है सर। तो मैं और डिटेल में पूछता हूँ उनसे, तो बोलते कि हमारे पास तीन मसाज है, एक 500 रुपये का है, एक 1000 रुपये का है, एक 1500 रुपये का है। तो सर 500 में वो बोलते कि मेल थेरेपिस्ट है और वो आपको कंफर्टेबल करके मसाज करवा देंगे। कैसे कंफर्टेबल मसाज? सर तो मैं बोलता हूँ ठीक है सर, 1000 वाला बोलिए। तो बोलते कि इसमें फॉरेन थेरेपिस्ट रहते हैं मेल और फीमेल, उसमें आपको स्टीम भी मिलता है। और उसके बाद मैं पूछता हूँ 1500 के मसाज में क्या है सर, तो बोलते दो लेडी थेरेपिस्ट रहेंगी, वो आपका बहुत अच्छे से मसाज करेंगी फुल बॉडी, और सर आपको स्टीम भी देंगी सर। तो एक करके मैं मजे लेता हूँ सर। और क्या है, सपना की कॉपी है ये। उसको हर बार आपको फोन करके यही तीन बातें बोलते हैं, इसी के मजे ले रहे हो? हाँ सर मजे ले रहा हूँ। किस दिन जाके स्टीम ले लो, आपकी भाप निकले। काम क्या करते हो आप? सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर, लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर जब आप बिजी हो जाओगे ना, फिर आपको ऐसे फोन कॉल्स में मजा नहीं आएगा सर। कभी कभी फोन नहीं आता तो मैं खुद ही लगा लेता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, आपने जब माइक उठाया ना तो साथ में जो मैडम बैठी बड़ी खुश हुई, आप साथ में आए? साथ में। आपके क्या लगते हैं? वाइफ है मेरी। अच्छा, बड़ा खुश हुई जब आपने माइक पकड़ा ना कि मेरे हस्बैंड ने माइक पकड़ा है। कहाँ से आए आप? मैं बॉम्बे से हूँ। और वाइफ? बॉम्बे से है। अच्छा, दोनों साथ में रहते हैं? हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अल्पेश जैन। जी अल्पेश जी, अभी तो पीसीओ काफी बंद हो गए। हाँ जी। जब पहले पीसीओ चलते थे तो मैंने काफी लोगों के मजे किए। अच्छा। हाँ, जैसे मेरी एक शॉप थी पहले, तो वहाँ पे हमने वहाँ पीसीओ लगाया था, तो अच्छा। काफी ऐसे लड़के आते थे, तो वो ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड्स को वगैरह कॉल वगैरह करते थे, बातें हाँ। करते थे, तो मैं क्या करता था उसी से सिक्का डाल के रीडायल करता था, और वो लड़कियों को बोलता था कि लड़का बरोबर नहीं है, इनसे आप मत रहो, ये दूसरे लड़के के साथ घूम रहा है, ऐसे बहुत क्रिएटिविटी देखिए। तो मैडम के साथ आपकी लव मैरिज हुई है? अरेंज। अरेंज मैरिज? मुझे लगा शायद रीडायल से ही। तो आपको क्या मिलता था किसी का काम खराब करके? मजा आता था ऐसे। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर देता तो? नहीं हुआ नहीं, लेकिन सर इसमें एक ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा एक लड़का आया था जो सही नहीं था, तो वो लड़की को ऐसे फंसा रहा था, तो मैंने जेन्युइनली वो लड़की को कॉल करके बताया कि जो लड़का आपको कॉल कर रहा है आप उसके बारे में पता करो, वो सही नहीं है। और मैंने उसे मेरा ये नंबर भी दिया था शॉप का। अच्छा। तो उसने पता किया, वो लड़का सही नहीं था। अच्छा। और वापस उसने मतलब मेरे शॉप पे आके मुझे थैंक्स बोला, और वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी बन गई फिर। ओ वाओ, चलिए एक तो अच्छा काम किया आपने। ये बात आपने अपनी वाइफ को बताई थी पहले? नहीं, आज ही मालूम पड़ा है। घर जाके ना घुटनों में देखना सच जब लगे रीढ़ की हड्डी पे लगेगा ना ये। ऐसी बातें नहीं बोलते। पर चलिए, आपको मजा आता था, भगवान आपको और मजा दे, जितना मजा चाहते हैं आप ले लें लाइफ में। धन्यवाद सर। थैंक यू। आइए जैन साहब, आपके लिए हमारे पास एक तोहफा है। तबू जी, ये आपको एक तोहफा दे दीजिए। मुबारक हो, आपको मिलता है ये गिफ्ट हैम्पर चिंग्स देसी चाइनीज की तरफ से, जो है इंडिया का फेवरेट देसी चाइनीज। थैंक यू। ओ कपू शर्मा, मे आई प्लीज कॉल माय ग्रैंडमदर? ग्रैंडमदर? या क्यों? बिकॉज़ मैं बॉम्बे में पिछले 10 साल से रह रही हूँ। अच्छा। और मैंने अपने तरीके से जैसे एक्टिंग है, होस्टिंग है, सब मतलब ट्राई किया है। हाँ। मगर आज तक मेरी ग्रैंडमदर ने मुझसे ये नहीं कहा कि You have arrived. अच्छा। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपके शो पे जा रही हूँ,
Oh, so sweet. She has decided that I have finally arrived. How sweet. Thank you, thank you. Mera regard dijiyega. So, ek try karte hain. She answers the phone. Haan, kar lo. No problem. Try karte hain. I don't know. She'll answer. Hello, Ami. Ami, I'm calling you from the Kapil Sharma Show. And Kapil wants to say hi to you. Actually, he's very confused. Would you like to say hi to Kapil? कहीं बेइज्जती ना कर दे मेरे या मैं उनको क्या बुलाऊं अम्मी आपकी आपकी नानी जी हैं नानी है मगर अम्मी बुलाते हैं हेलो हाय कपिल हेलो हेलो हाउ आर यू नमस्ते जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसी हैं मैं ठीक हूँ मुबारक हो आपकी बेटी ने मुझसे मिल लिया आज अरे हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं हम लोग बहुत सालों से जानते हैं हमने बड़े शोज किए हैं पर सो स्वीट ऑफ यू आप हमारा शो देखते हैं थैंक यू सो मच अच्छा जी हाँ. सारे शोज देखती हैं आप हमारे हाँ देखती हूँ अर्चना जी अच्छी लगती हैं आपको हाँ she's nice she's nice कॉमेडी थैंक यू मैम थैंक यू आप भी कभी आइएगा हमारे शो पे थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू कुब्रा थैंक यू थैंक यू अम्मी दैट्स सो स्वीट मेरी बुआ है कम्मो दिल्ली से आई है जा ही नहीं रही तो दिख रहा है जाने मन वाले ना हमारे घर आए किसी ने बताया नहीं आप भी हंस हंस करके मेरे को आवाज दे देती है फरीदा बहन जी कैसे हो आप दिल्ली में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे बहन जी कैसे हो मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ बैठो 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 लड़के तो दीवाने हुआ करते थे मेरे इन्होंने सब देखा हुआ हेलो डियर मेरी टैब ही देखो थोड़ी लंबी होगी उतनी हो हेलो जी कैसे हो सैबू ठीक ठाक नाइस हाँ ये क्या बात हुई कप्पू इतने बड़े नवाब आए हैं तूने सिंपल अर्चना सामने बढ़ा दी तो मैं क्या शाही मसाले डाल दूं उधर ना ना पुत्र मसाला नहीं इन पे कपड़ा डालो पर्दा वैसे सैफू जी आपसे एक बात पूछनी है जी करीना के बारे में जी करीना को डिनर किसके साथ करना पसंद है कबाब के साथ या फिर नवाब के साथ बुआ जो भी पसंद हो तू क्यों कबाब में हड्डी बन रही है तो मैं तो नवाब में भी हड्डी बनना चाहती थी बड़ा सपना था अर्चना जी मेरा कि शर्मिला जी की नजर मुझ पे पड़े वो कहे यही है हमारे खानदान की बहू और बस मेरी कमर में महल की चाबियों का गुच्छा बांध दे हाय 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 टैबी हाउ आर यू नाइस फिल्म में हां गाना कितना अच्छा था तुम्हारी फिल्म का रुक 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 तुमने रुक रुक का अजय देवगन रुक गया मैंने रुक रुक का इसका फूफा रुक गया फूफा तो इसलिए रुका वो ऑटो चलाता था होगी तेरी बातें नहीं होगी बातें फ्रेंड्स है हम हेलो बड़ी चक्रो चक्र वाली फिल्म कर रही टैबी है चक्कर चक्कर होता है वार अंधाधुंध में इसका चक्कर बाहर था है? दे दे प्यार दे में अजय देवगन का बाहर था इसमें इनका चक्कर बाहर है बुआ को भी कोई ऐसी एक्टिंग वाली फिल्म करवा दे क्या करेगी बुआ उसमें उसमें कुछ नहीं करूंगी सैफ अली खान की बीवी घर पे होगी उसका चक्कर मेरे साथ करवा देना ये मतलब फिल्मों में जो देखते हो नवाब लोग आते हैं उनकी एंट्री पे ढोल नगाड़े बजाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनको ढोल नगाड़े सच्ची में पसंद हो वाह पुत्र वाह आज तेरे को ये बुआ नगाड़ा लग रही है फरीदा जी कभी कमो भी शहनाई हुआ करती थी बड़े बड़े नवाबों के कान तरस जाते थे इस शहनाई की आवाज सुनने के लिए फिर वो आ गई ना नवाब पे पुत क्या करूं प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है और अगर ऐसा कुआं हो तो दिल करता गोते लगा लूं हाँ एक सेकंड हाँ जी करीना जी हाँ हाँ
यही हमारी बुआ, आप बिल्कुल लिहाज मत करना जो आपका मन है बोलिए। ये लो, ये लो, करीना कपूर एक बात करो। तू ना ये ना किया कर, उनके हस्बैंड बैठे फोन लगा दिया, डरती नहीं हूँ मैं। करीना फिल्मों में आती तो मैं भी टीवी पे आती हूँ, साल में दो फिल्में करती है, मैं हर सैटरडे संडे आती हूँ। एक मिनट चुप करो, उनको लगेगा उनका पति मजे ले रहा है। एक मिनट, डरती नहीं हूँ मैं वैसे। हेलो स्वीटहार्ट। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ भाभी कैसे हो आप, भैया आए हुए हैं। भैया बैठे हुए हैं, मैंने जैसे ही एंट्री ली भैया रोने लग गए, कहते दी 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 दी। कसम से अभी राखी बांधी है। नहीं मैं सैफ से कैसे बात कराऊं, राखी बांधी ना, लड्डू मुंह में डाला हुआ है। टैमूस हो गया, पप्पी देना। चलो बाय भाभी बाय। एला फड़ फिर आया पड़ा, मेरे को डराया ना कर, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए बच्ची कौन है यार, कितनी देर से चुप बैठी हुई है। कपू मैंने ये वाली आंखें कहीं देखी है। हाँ। एक मिनट बेटा ऐसे कर, ये तो कबीर बेदी जी की झलक दिख रही है इसमें। हाँ तो उनके नाना जी हैं, पूजा बेदी की बेटी हैं। अपनी पूजा की बेटी है, बेदी साहब की दोती। हाँ। Oh my God! आजा बेटा बुआ का आशीर्वाद ले लो। आजा मेरी बच्ची आए, मेरी बच्ची की फिल्म आ रही हुआ। ओए ओए ओए, मेरी बच्ची नहीं है। ऐसे जफ़ी डालती थी बेदी साहब को। बहुत अच्छी लग रही है बेटी। यहाँ चुप नहीं बैठना, बुआ का शो समझ, बिंदास बोल। और हाँ, बुआ मैं इनके लिए हूँ, तेरे लिए तो कजन नानी हूँ तेरी। कजन नानी? कजन नानी क्या होती है? कजन नानी, कजन नानी बताती हूँ अर्चना मैं। किसी के नाना का प्यार अगर किसी नानी के साथ अधूरा रह जाए तो वो फिर कजन नानी हो जाती है। लेकिन सच्ची कहूँ, हैंडसम यंगर है, मतलब इतने हैंडसम थे ना कबीर बेदी जी, आज कल के कबीर सिंह थे वो। मेरे को कोई टच कर ले ना चले जाते थे। किसने टच किया इसको, किसने टच किया, ऐसे करते थे। मजा आ जाता। पितर एक मैसेज दोगे बेदी साहब को? तो एक्चुअली मैं आपको पहले कुछ बताती हूँ। हाँ जी। तो लड़कों को मेरी मॉम बहुत हॉट लगती है, आज भी बोलते। लड़कियों को मेरे नाना बहुत हॉट लगते हैं। जी। मैं इतनी हॉट नहीं, मुझे बस अच्छी एक्टिंग करनी है। नहीं, नहीं, आप हमारी नजर से देखो। ये देखो। ये तो बातें बुद्ध होती रहेगी। आपने बहुत, मैंने प्रोमो देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। लेकिन नाना जी को एक मैसेज दे दोगे कम होगा? कहना बेदी उनके सारे भेद मैंने आज भी अपने दिल पे छुपा के रखे हैं। तू कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया? I'm joking! Hello चंकू, कैसे हो? अच्छा, पहले मैं भागती थी, मुझे पकड़ते थे ऐसे। चंकू कैसे हो? एक बात बोलू, अनन्या चार पांच बार शो पे आ चुकी है, मैंने शक नहीं होने दिया। क्या शक नहीं होने दिया? यही कि आखिरी पास्ते का पहला पास्ता मैं थी। चंकू आपको याद है वो मनाली वाला हमारा ट्रिप? ओ ठंड के मारे लिप्स नीले हो गए, चार पांच भेड़े मैंने गंजी कर दी, ठंड नहीं लगने दी बंदे को मैंने। She's joking. ए झूठ बोल रही है, अगर ऐसी बात थी तो शादी क्यों नहीं की उनके साथ? यही तो प्रॉब्लम थी पुत्र, मेरे दिल की भावना को नहीं समझा, दूसरी भावना को समझ लिया इसने। अभी करीना का फोन आया था, अभी भावना जी का मैसेज आया। वो ग्रुप ऑफ लेडीज लेके इधर आ रही, किसी को पीटने ऐसे लिखा है, पता नहीं। एक मिनट कपू, ये ना कि अगर मैं डरती नहीं हूँ, कौन हूँ मैं? कम्मो, दिल्ली से हूँ, दिल्ली वाले किसी से डरते हैं? आने दे भावना को, आंखों में आंखें डाल के कहूंगी आई एम जोकिंग। मैं जा रही हूँ पुत्र, बीवी किसी की भी हो, थप्पड़ मेरे को भी नहीं अच्छे लगते मुंह पे। चलो जी, जवानी जाने वाली हिट है। बाय जी बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जवानी जाने वाली की पूरी स्टार कास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बहुत मजा आया आप सबके साथ। बहुत मजा आया। ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.